Yes, my dear student, solution chapter से क्या क्या टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, 7 मार्क्स का वेटेज है। किन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं टॉपिक्स से आए हैं। कौन कौन से हैं वो टॉपिक्स, सबसे पहले आपको तैयार करना है हेनरीज लॉ, उसके बाद करना है राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इसमें से एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली होगा। उसके बाद आ जाइए वेंटॉफ फैक्टर, दैट इज आई फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। मैंने इन चैप्टर्स को ऑलरेडी पढ़ा दिया है अपने चैनल पर, तो आप एक काम करिए, फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करिए और उस वीडियो को चेकआउट करिए जहां पर ये पूरा सेशन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू सो मच।